ये धुआं देख रहे हो निकलता, आज हमारा भी यही है, मतलब बारबेक्यू। हाँ भैया, क्या सूरत हाल है? मुझे पता है बहुत दिनों बाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके रीजंस मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो स्टोरी है वो बारबेक्यू। तो भैया हुआ कुछ यूं कि बारबेक्यू में जाना था हमें, हम हो गए इतना लेट कि सारे सिनेमैटिक शॉट्स जो कहलाते हैं ना, आग जल रही है उसका मैंने शॉट ले लिया, बारबेक्यू बनते हुए शॉट ले लिया, तो वो सब मैं बिल्कुल मिस कर गया। वहाँ सब कुछ चटनी वटनी से बोटियाँ लगा के जो है ना वो लोग खा चुके थे। असल मकसद बारबेक्यू का क्या होता है? गैदरिंग। तो गैदरिंग जो वहाँ लगी, मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि मोस्टली चीज़ें मिस हो गई थी मुझसे, बहुत ही कोई लेट पहुंचा था मैं। जब ये सब चीज़ें हुई और मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग भी देखो। हम दूसरी छत पे आ गए हैं यहाँ पे अंधे। तो भैया लेट तो पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन जब उस जगह पे पहुंचे जहाँ छत जिस छत पे जाना था, हमने नीचे से तो देख लिया कि हाँ भाई, लेकिन गए हम लोग कहाँ, दूसरी बिल्डिंग में। तो छत पे चढ़ गए दूसरी, और हमारे सामने हो रही थी बारबेक्यू और हम लोग किसी और छत पे। ऊंट की पूंछ नीची, ऊंट की पूंछ ऊंची, जल्दी बोलना, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची। तो यहाँ से हुई शुरुआत। तो बोलना ये था कि ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची, तो ये फर्स्ट था। ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची। क्या बात है, क्या बात है। अब देखो पहले क्या था, पहले ये था ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची। उसके बाद मोहसिन भाई ने क्या इसमें ऑल्ट्रेशन कर दी, ऊंट की पीठ ऊंची और ऊंट की मैं भी बोल रहा हूँ तीन दफा बोल रहा है तेज तेज, राजा बोलेगा तीन दफा तेज, ये वाला बोलो ना, चैलेंज मैंने दिया है। एक साथ एक साथ एक साथ, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची, ऐसा ही बिल्कुल जैसे ये बोल रहा। अच्छा, शुरू से राजा के ऊपर जो है ना हर चैलेंज स्टार्ट होता था। बाय द वे ये राजा है, राजा ये करके दिखाया, राजा वो करके दिखाया। तो राजा जो है ना बड़ी स्मार्टली प्ले करके जो है ना वो अपने ऊपर से उठा के किसी और के ऊपर फेंक देता था। असल में बोलने में कोई मसला नहीं है, जो ये हंसियाँ आती है ना ये आपको बोलने नहीं देते। बोलो ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ नीची। राजा साहब ऊंची ऊंची कुछ क्या लाइन थी, ऊंट की पूंछ ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची। अब किसी और का मैं याद नहीं, वो निकाल लिया भाई, निकाल गूगल से बोलूंगा, ऊंट की ऊंची पूंछी लाओ दे दो, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची नीट की पूंछ। बाद में ऊंट की पीठ पीठ ऊंची, ऊंट की वो ये नहीं, ऊंट ऊंट की छोड़ो। ट्राई की मैंने पर नहीं, सॉरी मैं नहीं बोल सकता भाई। जुबैर बोल के दिखाएगा नया वाला। नहीं मैं नहीं बोल सकता, जुबैर बोल सकता है। मैं हार गया, मैं पहले हार गया, विनर मैं हो गया भाई। भाई विनर मोहसिन मेरे, मोहसिन मेरे, मोहसिन। तो हम सब में जिसने बेहतर बोला वो थे मोहसिन भाई, तो ऑब्वियसली विनर वो हो गए। लेकिन उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात उड़ गए सब, रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें फैसला हो जाएगा कौन जीता। मोहसिन भाई ने भी गलत बोला है भाई, यार मोहसिन जीत गया, मोहसिन जीत गया। ये क्लियर रिश्वत खिलाई गई है आधे आधे करने के चक्कर में भाई, जो भी बोलता है अगर मोहसिन जीता है हटा दिया सही है, लेकिन मोहसिन ने भी गलत बोला है, शायद पॉइंट से वो जीता, लेकिन मैंने बिल्कुल सही सही बोला है, पूछी पूछी कर रहे हैं। नहीं एक बात है, डिमांड है, शावेज ने ये जाहिर किया है कि मैंने गलत बोला, तो शावेज सही बोल के दिखा दे। तो आप विनर हो, आप वापस से बता दो भाई, मैं नहीं बोल सकता, आप अपना मेरिट बता दो सब। मैंने तो दो दफा बोला है, कमेंट पे डिसाइड करेंगे भाई, कमेंट पे डिसाइड करेंगे। बताओ भाई
कमेंट पे बताओ कौन जीता है, मोहसिन सही बोल रहा है या फिर शावेद सही बोल रहा है। ये जुबैर जो है वो मोहसिन को बता रहा है कि इस तरह बोलना, हालांकि जुबैर ने क्या किया, मैं पहले फुल एडजस्ट होके बोल तो बता दे भाई, सेंटेंस तो बताओ क्या है। ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची, पीठ जो है वो ऊंची है और पूंछ जो है वो नीची। देखो पूंछ नीची होती है, पीठ ऊपर होती है। सही 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 भाई, ये तो बड़ी नॉलेज दे दी। पीठ ऊंची होती है और पूंछ नीचे होती है। ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऐसे थोड़ी होती है। वाह भाई, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 गाना थोड़ी गा रहा है। की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की कुछ भी मत बोला, कुछ भी कुछ साइड भी मत। हाँ, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पूंछ नीची, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ। नहीं होते मेरे से यार, ऑनेस्ट गए बिल्कुल मेरी तरह और जुबैर की तरह। तो यहाँ तक है हमारा ये पहला चैलेंज जो कि जाता है वैसे मोहसिन भाई को, लेकिन आप कमेंट्स में बताओगे कि ये कौन सही बोल रहा था। तो यहाँ पर मैं वीडियो करूंगा एंड, लेकिन ये बिल्कुल एंड नहीं है। अभी तो सिर्फ फर्स्ट चैलेंज हुआ है और सेकंड चैलेंज जो है उसमें एक स्टोरी है मुकद्दम की, तो वो आपने मिस नहीं करनी है। वो भी जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो उस मुकद्दम की स्टोरी आप सुनेंगे तो आप इससे डबल ट्रिपल जो है वो चीज़ बनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए साइन ऑफ।